सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया और जिम्बाब्वे की जो सीरीज़ चल रही है। आपने सब लोगों ने देखा कि इंडिया जो पहला मैच है अपना जिम्बाब्वे से बुरी तरीके से हारी। दूसरा मैच था इंडिया जिम्बाब्वे का, वो बहुत ही अल्टीमेट मैच था। उसमें जो अभिषेक शर्मा है और रिंकू सिंह है जो हमारा नया टैलेंट है, उन्होंने खूब अच्छी पारी खेली और इंडिया ने आज का मैच जिम्बाब्वे को 100 रन से हराया। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में जो पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तानी जो पब्लिक है, आज इंडिया की इस जीत के ऊपर उनका क्या कहना है, उनकी क्या राय है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग होगा। ये जो वीडियो है इसकी जो ओरिजिनल जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल जो क्रेडिट है वो जाता है नैला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज जो इंडिया जो जिम्बाब्वे के ऊपर जो विन करा इंडिया ने पूरे 100 रन से, और अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस के बारे में पाकिस्तानी की जो पब्लिक है, आवाम है, वो क्या बोलती है। तो चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को करते हैं शुरू। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के सीरीज का जो आज का रिजल्ट है, हमाद भाई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। 100 रन से जो है टीम इंडिया ने, जो कि सी टीम है इंडिया की, और जिस तरह से जो है अभिषेक शर्मा ने 100 रन किए, 8 छक्के और 7 चौके मारे, और 100 की सेंचुरी उसने जो है T20 वर्ल्ड कप के अंदर कम्प्लीट की। ये रिकॉर्ड तो न रोहित शर्मा ने बनाया ना विराट कोहली ने। तो ये जो अगर हम बात करें अभिषेक शर्मा और रोहित शर्मा, ये कॉपी तो नहीं करके आ रही? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर बात करें इंस्टेंट रिवेंज लेना ना, तो भाई टीम इंडिया से सीखो। पहला मैच ये बच्चे हारे, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आईपीएल के किट से आईपीएल में खेल सकते हैं, इंडिया में खेल सकते हैं, बाहर जाके नहीं परफॉर्म कर सकते। भाई सेकंड ही मैच के अंदर ऐसा ग्रेट कमबैक करना कि 100 रन से विन करना, और भाई अभिषेक की आपने बात की, नो डाउट भाई क्या प्योर टैलेंट है, उसके लिए क्लैपिंग बनती है कि 100 रन अपनी सेकंड इनिंग। आपकी बात ठीक है ना, रोहित कर सके ना, विराट ना, बाबर आजम ना, दुनिया के क्रिकेट के ग्रेट्स नहीं कर सके जो अभिषेक ने कर दिया। 8 छक्के 7 चौके विद ईज उसने इतनी ईजी ईजी सिक्सेस मारे हैं, लग रहा है कि यार उस बंदे के पास 100 साल का एक्सपीरियंस है, वो विराट कोहली की क्लास से खेल रहा है। जिम्बाब्वे ये बात याद रखेगी कि भाई हमने इंडिया के यंग लड़कों को दोबारा नहीं हराना, हमने इनको, आपने कहा इंडिया की सी टीम, मैं नहीं मानता, बिलीव करें सी टीम 234 रन करी, ये सी टीम नहीं है, ये हमारी ए टीम से बेहतर है। अगर इनके हमारी ए टीम से मुकाबला करा दे, ये हमें चपेड़े मारे ग्राउंड में खड़े होकर, यकीन करें जैसी आज क्रिकेट इन्होंने खेली है भाई साहब, 234 रन करना कोई मजाक नहीं है 120 बॉल्स के अंदर, और जैसे एक ओवर में 28-28 रन, 24-24 रन, 26-26 रन, और इवन के इतने बड़े बड़े जाके छक्के मार रहे हैं, 104 मीटर का छक्का मारा है। तब तक टीम इंडिया खेलेगी, रिकॉर्ड्स बनाएगी, इन्हीं लड़कों ने जाके 2026 का वर्ल्ड कप खेलना है। रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट इंडिया को चाहिए, उसके बाद अगर बात करें विराट की रिप्लेसमेंट चाहिए, रविंद्र जडेजा की रिप्लेसमेंट चाहिए, और रिप्लेसमेंट रेडी है। एक शर्मा गया है तो दूसरा शर्मा आ गया है, विराट कोहली गया है तो गायकवाद आ गया। अभी रिंकू सिंह को पूरी बॉल्स नहीं मिली, वरना वो भाई जैसे मारा था लास्ट ओवर में उसने 20+ रन डाले हैं यार, छक्के चौके छक्के चौके। ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं? हमारे प्लेयर्स को तो ऐसी क्रिकेट आती नहीं है, पता नहीं हमारे प्लेयर्स को कब ऐसी क्रिकेट आएगी, लेकिन आज इंडिया ने भाई सबके मुंह बंद। इंडिया के पास कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वो आईपीएल से, उनका जो आईपीएल है ना, उससे काफ़ी प्लेयर्स जनरेट होते हैं उनके सही पास है। एग्री 100%। और इसके अलावा इंडिया काफ़ी वर्क कर रहा है अपने क्रिकेट के ऊपर, और उनके आवाम की भी बहुत सपोर्ट है उनको, और वो मैंने जहाँ तक नोट किया कि इंडिया के प्लेयर्स जो हैं वो बिल्कुल मतलब जोर लगा के खेलते हैं, दिलो जान से खेलते हैं। इज़ अ वेरी वंडरफुल प्लेयर अभिषेक शर्मा, और उसने आज जो जिस तरह खेला है जिम्बाब्वे के खिलाफ, और जिस तरह उसने 6 और 4 मतलब चौके कर दिया है, तो ही इज़ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। तो आगे जाके मजीद वो इम्प्रूव होगा जैसे उसको अच्छे कोचेज मिलेंगे, और इंडिया की तरफ से उसको आईपीएल वगैरह और वो खेलेगा, मतलब लीग्स भी खेलेगा, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी उसमें, और एक नया टैलेंट है, देखिए आगे क्या होता है। आज की अभिषेक की जो बैटिंग थी ना, मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग उसकी जो है वो याद रखी जाएगी, कि भाई उसने फास्टेस्ट जो है वो सेंचुरी मार दी है, और जिस तरह उसने आज जिम्बाब्वे का जो है वो मैं कहता हूँ मार मार के दुर्गत बना दी, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई इस जिम्बाब्वे छोटी टीम है या बड़ी टीम है, उन्होंने ये देखा कि इन्होंने हमें पहले मैच में 102 रन पे आउट किया था, आज हम इनको जो है वो 100 रन से हराएंगे। आज उन्होंने 100 रन से जो है वो जिम्बाब्वे को हरा दिया, और जिम्बाब्वे वालों ने समझा था कि भाई हमने इनको पहले हरा दिया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो उन्होंने कहा था कि भाई इनको हम आराम से हरा देंगे, लेकिन भाई उनको क्या पता था आगे ऋतुराज पड़ जाएगा, आगे जो है वो
रिंकू सिंह पड़ जाएगा आगे अभिषेक चर्मा। रिंकू सिंह की परफॉर्मेंस आउट से 48 रन बना ले, अगर उन्हें ज्यादा ओवर्स खेलने का मौका मिलता तो मेरे ख्याल से एक और सेंचुरी आज बन जाती। रिंकू सिंह 44 के 48 करके गया, लेकिन भाई उसने 22 बॉलों के अंदर उसने जिस तरह की जो है वो आज क्रिकेट खेल दी है ना, उसने वो T20 वर्ल्ड कप के अंदर उसको मौका नहीं मिला, लेकिन जितना उसके अंदर क्रिकेट भरी हुई थी उसने भाई आज गुस्से के अंदर निकाल दिया है। उसके बाद जो मैं ऋतुराज की बात करूँ, चेन्नई सुपर किंग के अंदर भी जो है वो बादशाहों की तरह कैप्टनसी करता है और यहाँ भी उसने जो है वो बैटिंग के अंदर जो है वो छा गया। और जिस तरह उसने आज देखिए, आज तीनों प्लेयर्स ने जो है वो 150 की स्ट्राइक रेट से ऊपर परफॉर्म किया है। अगर हम अभिषेक की बात करें उसने 200 की प्लस किया है, अगर हम रिंकू की बात करें उसने 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से परफॉर्म किया है। कोई 11 चौके मार के जा रहा, कोई 8 छक्के मार के जा रहा, कोई 7 चौके मार के जा रहा, मतलब कि आज उन्होंने चौके छक्कों से नीचे आए ही नहीं है, चौके छक्कों के साथ ही परफॉर्म करते रहे हैं। और भाई हमेशा ये जिंदगी में याद रखेगा जिम्बाब्वे के भाई, आइंदा के बाद हमने जो है वो पहला मैच जीत के हमने इंडिया को हल्का नहीं समझना, हम इंडिया को मजाक नहीं समझना। इंडिया के यंगस्टर हैं ये, आईपीएल का टैलेंट है। लोग कहते हैं आईपीएल का टैलेंट, कल मैच आ रहे हैं तो उनका आईपीएल का टैलेंट भाई एक्सपोज हो गया, सामने आ गया है भाई। इस तरह तो पाकिस्तान का भी पीएसएल में टैलेंट नहीं होता जिस तरह ये गंदा इन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उन्होंने साथ ही अपने हेटर्स को चपेटे मार के चुप कराया, उठा के उन्होंने बाहर फेंके भाई चुप कर जो, अभी पूरी सीरीज पड़ी हुई है। पहला मैच अगर हार गए इसका मतलब ये नहीं कि हम गंदा परफॉर्म करने लगे। एक तो लोग बड़ी जल्दी जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं, उनको अभी पता नहीं है कि पूरे मैच की सीरीज पड़ी थी। इंग्लैंड को भी इन्होंने इसी तरह हराया था, पहला मैच जो है वो टेस्ट रोहित शर्मा हारा था, उसके बाद 4-4 उन्होंने वो चपेटे मार के इनको जो है वो अपनी मुल्क से बाहर निकाला था। और आज भी देख लें कि भाई पहला मैच इंडिया वाले हारे और अगले चारों मैचेस आप देखेंगे कि भाई इंडिया जो है वो दूसरा मैच जीत गया, तीन मैच भी आप देख लीजिएगा वो भी जीतेंगे, इन्होंने छोड़ना नहीं। पाकिस्तान में टैलेंट होता तो हम ये जैसे हम उनका नाम ले रहे हैं, हम पाकिस्तान का भी नाम ले सकते थे। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन मैं इंडिया की बात करना चाहता हूँ। उन्होंने 8 छक्के और 7 चौके मारे हैं, तो मुझे लगता है कि न्यू विराट कोहली आ गया है, धुआंधार बैटिंग की है। मैं सबसे पहले अप्रिशिएट उनको करता हूँ, यही हम तरीके पाकिस्तान की भी करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस नहीं कर सकते। तो देखिए, जो पाकिस्तानी जो आवाम है, पाकिस्तानी पब्लिक है, आपने उनका रिएक्शन देखा, तो ऑब्वियस ही बात है। देखिए, जो टीम अच्छा खेलेगी तो उसकी जो अप्रिसिएशन है वो बनती है, उसकी तारीफ बनती है। तो उसी तरीके से जो पाकिस्तानी जो आवाम है, पब्लिक है, उनसे जब पूछा गया आज की परफॉर्मेंस के बारे में इंडिया की, तो उन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस बोली इंडिया की जो सी टीम है उनकी। और उन्होंने ये भी बोला कि रोहित शर्मा गया उसकी जगह, जो उनकी रिप्लेसमेंट है अभिषेक शर्मा के थ्रू हो चुकी है, और विराट कोहली की जगह भी जो गायकवाड़ हैं और रिंकू सिंह भी है, ऐसे गजब और बड़े ही पावरफुल प्लेयर्स मिले इंडिया को। तो इंडिया को, इंडिया की टीम से अगर इतने बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं जैसे विराट कोहली, जडेजा, रोहित शर्मा, तो उनके जाने पे भी इंडिया को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास और भी अच्छे तगड़े खिलाड़ी आ चुके हैं और जिनकी परफॉर्मेंस आज आपने मैच में देखी है। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा जिस तरीके से जो पाकिस्तान की जो पब्लिक है, उन्होंने इंडिया की जो टीम है, जो यंग टीम है, उनके बारे में अच्छी अच्छी आज बातें करी। और अगर कोई भी टीम, चाहे इंडिया की टीम हो, चाहे कोई भी कंट्री की टीम हो, अगर जो भी अच्छा खेलेगी उनकी तारीफ ज़रूर बनती है। और आज का वीडियो मुझे काफ़ी पसंद आया, और जिस तरीके से पाकिस्तान की जो आवाम है उन्होंने जिस तरीके से अच्छी अच्छी बातें करी वो सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आपको इस वीडियो को देख के आपको कैसा लगा? पाकिस्तानी आवाम जो इंडिया को, भारत के प्लेयरों को और भारत की इंडियन क्रिकेट टीम को जो इतना सपोर्ट करती है, उस पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है वाली, तो आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की मज़ेदार और एंटरटेनिंग वीडियोज़ मैं आपके पास चुन चुन के लेकर आता हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। टिल देन, सी यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय।